हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छा होंगे। तो ये किरेन है, टेरेक्स 250 टन की है किरेन। इसमें 6 बूम है, 6 XL की है, ये 6 XL की है टेरेक्स AC 250-1 है, 250 टन की है किरेन। तो मैं ऑल फंक्शन बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए कि नेक्स्ट वीडियो में बना के डालूँ तो आप लोगों के पास तक पहुंच जाए। तो मैं ऑल फंक्शन बताऊंगा। मैं केबिन में आ चुका हूं। तो सबसे पहले चाबी मैं ऑन कर लेता हूँ। स्टीयरिंग के जस्ट नीचे साइड में दिया है। इसका बैटरी ऑन ऑफ के लिए यहाँ पर है। इसको पुश करके बाहर खींचेंगे तो 4 सेकंड रुकेंगे, पूरा डिस्प्ले में लाइट आ जाए। तो मैं इंजन स्टार्ट कर लेता हूँ। ये जो कांटा दिख रहा है ये डीजल का है। ये कितने की स्पीड में चल रहे हैं स्पीड बताएगा, कांटा स्पीड का ये बताएगा। और एक किलोमीटर है, छोटा सा डिस्प्ले दिया है यहाँ पे, तो किलोमीटर बताता है। ये जो है टेम्परेचर का है, ये वाटर टेम्परेचर बताएगा। ये RPM का कांटा है, RPM 600 है। ये ट्रांसमिशन है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, क्लच नहीं दिया है, ट्रांसमिशन है। 2 इंजन है। ये सस्पेंसर का ये बटन दिया है, मैनुअली है। इसे दो दो सस्पेंसर डाउन होगा, ऑफ होगा। ये दोनों पीछे का है बटन, ये दोनों आगे का बटन है डाउन ऑफ के लिए। ये ऑल डाउन होगा, ऑल ऑफ होगा सस्पेंसर। ये ऑटो लेवल यहाँ पर दिया है, इसको पुश करेंगे तो डिस्प्ले में शो करेगा। तो अभी मैं ऑटो लेवल करके दिखा देता हूँ। ऑटो लेवल हो गया, ग्रीन हो गया, ऑटो लेवल हो गया। तो ये ऑटो लेवल का बॉटम है। ये जो बटन दिख रहा है ये सस्पेंसर लॉक अनलॉक का है। तो जहाँ से बीम जक निकालते हैं वहाँ पे लॉक नहीं हो रहा है सस्पेंसर, जैसे कि ऑफ होके लॉक हो जाता है। तो वहाँ पे जब लॉक नहीं होगा तो यहाँ से ऑल डाउन मार के फिर यहाँ पे सस्पेंसर लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ये लॉक अनलॉक के लिए है। तो अभी इसको नहीं यूज करना है, क्योंकि जहाँ से बीम निकालते हैं, जग निकालते हैं, वहाँ पे सस्पेंसर ऑफ होके और लॉक हो जाता है। तो मैं चलता हूँ, मैं बीम का जग का ऑल फंक्शन बताऊँगा। यहाँ पर भी चेक करना है PTU में है कि नहीं। तो PTU में रहेगा तभी बीम जग निकलेगा। ये हाईवे के लिए है। इंजन बंद करके इसको इस मोड में कर देंगे, इसके बाद हाईवे पर जाना है। चाहे कहीं किरेन लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हैं। तो अभी PTU में है, तो मैं बीम का जग का ऑल फंक्शन बताऊंगा। बीम का जग का ये बॉक्स है, बॉक्स को ओपन करेंगे तो ये ऑल फंक्शन मैं बता देता हूँ। ये सस्पेंसर अप डाउन के लिए दिया है, सस्पेंसर अप डाउन के लिए है। तो अभी मैं बीम निकाल लेता हूँ। ये बीम का है, बीम बाहर होगा, अंदर होगा, जग का लिया है। राइट साइड में जग डाउन होगा, ऑफ होगा। ये आगे के दोनों बटन है, ये दोनों पीछे साइड का जग अप डाउन के लिए है।
ये बीम का है, बाहर निकलेगा अंदर होगा। ऑटो लेवल करना है तो ऑटो बॉटम पकड़ेंगे और इस बॉटम को ऑटो लेवल कर लेंगे। तो मैं बीम निकालता हूँ अभी। लेफ्ट साइड का पीछे वाला बीम निकाल देता हूँ। जग के डाउन करता हूँ, पीछे वाला है, लेफ्ट साइड का पीछे वाला जग है। लेफ्ट साइड का बीम जग लगा दिया हूँ, तब राइट साइड का निकालूंगा बीम और जग। राइट साइड का बीम जग निकालना है। बॉक्स को ओपन करेंगे, ये बीम लॉक है, आउटरिगर बीम, तो मैं लॉक निकाल देता हूँ। लॉक निकाल दिया हूँ बीम का, तो राइट साइड का बीम निकाल लेता हूँ। राइट साइड का पीछे वाला बीम निकल रहा है। जॉक लगाता हूँ। राइट साइड का जग और बीम लगा चुका हूँ। तो मैं लॉक लेवल कर लेता हूँ जी क्रेन को, अभी लेवल कर लूँगा। चारों जग टच कर दिया हूँ जी, जिसमें भी टच है। तो अभी मैं सस्पेंसर ऑफ करूँगा, सस्पेंसर बॉटम है तो इसको जग लगा लेंगे, बीम निकाल के जग लगा लेंगे, इसके बाद सस्पेंसर को ऑफ करेंगे। जग पे लगा रहेगा, कहीं जाना है क्लोज करना है तो इसको सस्पेंसर पहले डाउन करेंगे, इसके बाद जग आप डाउन करेंगे। अभी मैं जग लगा दिया हूँ तो मैं सस्पेंसर ऑफ कर लेता हूँ। सस्पेंसर ऑफ हो गया, अब मैं लेवल कर लेता हूँ जक, लेवल कर लेता हूँ। इत लेवल अभी लेवल हो गया, ठीक है। तो क्रेन को क्लोज करना है, पहले सस्पेंसर डाउन मारेंगे, इसके बाद जग डाउन मार के बीम अंदर सब करके इसके बाद जाएंगे। या सस्पेंसर ऑफ करना है तो पहले बीम जग लगा लेंगे, इसके बाद सस्पेंसर ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो मैं ऑल फंक्शन इसका मैं बता दिया हूँ, जग का बीम का। ये जो बटन है ये से इंजन स्टार्ट होगा, इससे इंजन बंद होगा। इसके बाजू में दे दिया है इमरजेंसी स्टॉपर जी, तो इमरजेंसी स्टॉपर है ये। तो मैं ऑल फंक्शन बता दिया हूँ। तो ओके दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्त।